Hello everyone, welcome to our channel guys. So guys, today we are going to discuss about some numerical problem related to electric flux. इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को थ्योरेटिकल समझने की कोशिश की थी. आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, नहीं तो आई बटन को क्लिक कीजिए, आप लोग वो वीडियो देख लीजिए एक बार. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जो आज हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, कोशिश ये रही है कि उसमें सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा आप लोगों का. फिर उसके बाद हम कुछ आईआईटी जेई के एडवांस लेवल की न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जो उन्होंने एग्जाम्स में पूछी हुई. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास गाइस. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पढ़ने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जो कि जल्दी जल्दी एक बार ही रिकैप कर देते हैं. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हम लोगों को पता होना चाहिए, और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या देता है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या देता है बेटा, आइडियाज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस लिंक्ड विद एन एरिया, या कितनी एनर्जी एक एरिया में से निकल के गई हुई है, ठीक है ना. तो और इसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस. अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि ई डॉट डी एस या ई डॉट ए. अब हमें फॉर्मूला देख के समझ में आ गया कि इट्स अ डॉट प्रोडक्ट, तो हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट भी आना चाहिए, है ना. तो डॉट प्रोडक्ट भी हमें आना चाहिए पहली बार. सेकेंडली अगर हम बात करें तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया वेक्टर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया वेक्टर हमें पता होना चाहिए. हालांकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया था, बट फिर भी एक जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं. एरिया वेक्टर आप लोगों को बताया था कि सरफेसेस दो प्रकार के होते हैं, वन इज ओपन सरफेस एंड सेकेंड वन इज क्लोज्ड. तो जितने भी ओपन सर्फेसिज होंगे, जस्ट लाइक योर डिस्क, योर स्क्वायर प्लेट, योर ट्रायंगुलर प्लेट, तो इन सब के लिए हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर मेरे पास डिस्क हो जाए या मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट हो जाए, तो इनका एरिया वेक्टर दोनों ही डायरेक्शन में पॉसिबल हो सकता है. हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहने वाला पहली बात, और कोई भी एरिया वेक्टर को आप पॉजिटिव या नेगेटिव चूज कर सकते हैं. लेकिन आप लोगों को याद क्या रखना है, जिस भी एरिया वेक्टर को हम लोगों ने एक प्रॉब्लम में चूज कर लिया कि दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, तो वो हमेशा जब तक न्यूमेरिकल खत्म नहीं हो जाता वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहना चाहिए, चेंज नहीं करने वाले. लेकिन जो भी हम लोगों ने क्लोज सरफेस के बारे में बात की थी, मे बी स्फीयर, मे बी क्यूब, मे बी क्यूबॉइड, मे बी पैरेललोपिपेड, मे बी सिलेंडर, तो हम लोगों ने क्या देखा था, इन सभी केसेस में एरिया हमेशा वो लेके चलेंगे विच इज नॉर्मल टू दी सरफेस एंड प्रोपगेटिंग आउटवर्ड, यानी हमेशा वो वाला एरिया जो बाहर की तरफ निकल रहा होगा, ठीक है ना. जैसे ये क्यूब है, क्यूब के हमें पता बेटा 6 फेसेस होते हैं. तो अगर जिस रूम में हम बैठ के अपने लेक्चर को देख रहे हैं, तो मान लेते हैं क्यूब है या क्यूबॉइड है, तो क्यूब के 6 फेसेस हैं. 6 में से देखिए हर एक फेस एक स्क्वायर या रेक्टेंगल सरफेस को बिलोंग करने वाला है ना. तो एक स्क्वायर रेक्टेंगल सरफेस की अगर हम बात करें, तो एरिया वेक्टर या तो हमारी तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा. बट जो कि एक क्यूब या क्यूबॉइड क्लोज्ड सरफेस है, तो हमेशा 6 के 6 फेसेस का एरिया वेक्टर कौन सा लेंगे, विच इज प्रोपगेटिंग आउटसाइड. तो ये वाले फेस का बाहर वाला, जिस पे पंखा लगा हुआ है, एक पंखा नीचे की तरफ लगा हुआ है, हमें ऊपर वाला लेना है. नीचे फ्लोर वाला एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे, तो नीचे वाला लेके चलना है सिमिलरली इन द सेम फैशन. बात समझ में. तो हम लोगों को ये सब चीजें याद होनी चाहिए. फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें कई बारी एरिया को एरिया वेक्टर फॉर्म में लिखना आना चाहिए. उसके लिए आप लोगों को वेक्टर फॉर्म, वेक्टर अप्रोच आनी चाहिए लिखने में. जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे कोई भी ये बोल देता है बच्चे कि ये हमारे पास एक डिस्क है, डिस्क समझ के बेटा, जस्ट लाइक योर जो जिस प्लेट में हम खाना खाते हैं, या जो डिस्क है हमारी सीढ़ी, वो भी एक हमारे पास एक डिस्क ही टाइप है कि दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और जो ये डिस्क है इसका रेडियस है आर, ठीक है ना. अब हमें इसका एरिया वेक्टर लिखना है इन वेक्टर फॉर्म. तो एरिया तो मैग्नीट्यूड तो हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर ना, मैग्नीट्यूड तो हो गया पाई आर स्क्वायर. लेकिन एरिया वेक्टर देखिए, एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल टू दी सरफेस रहेगा, तो नॉर्मल टू दी सरफेस ये आई कैप भी हो सकता है और ये माइनस आई कैप भी हो सकता है,
यानी हम लिख सकते हैं एरिया वेक्टर, अगर हम बात करें एरिया वेक्टर ऑफ दिस डिस्क इज प्लस माइनस पाई आर स्क्वायर आई कैप, प्लस माइनस पाई आर स्क्वायर आई कैप। सिमिलरली अगर ये डिस्क इस वाले रीजन में ना डाल के ऐसे दे दे तो दिस इज एक्स दिस इज वाई, तो अब क्या हो जाएगा बच्चों? सभी बोलेंगे जल्दी फटाक से आंसर आना चाहिए, यस परफेक्ट, प्लस माइनस पाई आर स्क्वायर जे कैप। बात समझ में? लेकिन अगर हमें थोड़ा सा चेंज हो जाए, अब हमें एरिया वेक्टर अगर ऐसा ना देखे, हमें एरिया वेक्टर कुछ ऐसा दे दे, देखिए सुनना ध्यान से, आप लोगों को जब वेक्टर्स पढ़ाए गए होंगे तो आप लोगों को याद भी होगा वेक्टर्स हमें ऐसे लिखते थे, अगर ये एक स्क्वायर है रेक्टेंगल एट में भी ऑफ एनी शेप, यार हमें क्या मतलब है इससे, तो ये आपके पास ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, तो आपका एरिया वेक्टर क्या होता था बच्चे? एरिया वेक्टर हम लिखते थे ए क्रॉस बी, याद है ना, ए क्रॉस बी, हमें वेक्टर प्रोडक्ट भी आना चाहिए, यानी एरिया निकालने के लिए हमें वेक्टर प्रोडक्ट आना चाहिए और फ्लक्स निकालने के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। सिमिलरली अगर हमें साइड लेंथ ना गिवन हो, हमें पोजिशन वेक्टर की फॉर्म में गिवन हो, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे याद करो, कि लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, तो हम लोग एरिया वेक्टर को ऐसे भी लिखते थे, है ना बच्चों, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, डू यू रिमेंबर दिस? अब अगर हम बात करें, चलिए वेक्टर तो लिखना आ गया, वेक्टर का सब वो डायरेक्शन किधर रहेगी, तो बहुत इजी, इनिशियल वेक्टर पे रखो, फाइनल वेक्टर बाहर, हमेशा नॉर्मल टू दी सरफेस, हमेशा नॉर्मल टू दी सरफेस, बोलो इतना समझ में आया। सिमिलरली इसी पैटर्न पे अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं, चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे हमें एरिया वेक्टर निकालना आ जाएगा थोड़ा सा। चलिए अगर हम एरिया वेक्टर के बारे में बात करें, ध्यान से देखना बच्चों, कि लेट से ये हमारे पास एक्स वाई जेड तीन एक्सिस दे दी है हम लोगों को, और हमें अब बड़ा सिंपल बहुत अच्छे से क्वेश्चन दे दिया है कि ये कुछ ऐसा हमारे पास ये, ठीक है ना, एक स्क्वायर प्लेट रखी गई है, दिस इज एक्स दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, और जो लेंथ ऑफ द स्क्वायर है वो 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, स्क्वायर लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो ये एंगल हमें दे दिया है विद द एक्स एक्सिस इट इज 37 डिग्री, तो हमसे बोला गया राइट द एरिया वेक्टर, राइट एरिया वेक्टर। अब देखो बच्चों एरिया वेक्टर निकालने के लिए अब हमें पता लग गया ये इस शेप से होने वाला है, तो हमें तो ये वाला वेक्टर चाहिए, ठीक है ना, और ये वाला वेक्टर चाहिए। अब आपको वेक्टर लिखना आना चाहिए, पोजीशन वेक्टर, जो आप लोगों का 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर हमारे पास 10 सेंटीमीटर है तो ये मेरे पास ओरिजिन मान लूं मैं, अगर ये ओरिजिन मान लिया तो इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता लग जाएंगे, बताइए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? सर इधर तो वाई एक्सिस में चलना पड़ा हमें 0, 10, 0, देखिए अगर मैं इसको वही नाम दे दूं, नोमेनक्लेचर ए बी सी डी रख दूं, तो मेरे पास ए डी वेक्टर क्या हो गया, ध्यान से देखना बेटा, ए डी वेक्टर क्या हो गया, याद है ना आप लोगों को, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट की तरफ इंडिकेट कर देते हैं, देखिए क्या रहेगा, टेन जी कैप, याद है, फाइनल माइनस इनिशियल 0, 0, 0, 10 माइनस 0, 10 j कैप, 0 माइनस 0, 0 k कैप, है ना, तो वैसे तो ए डी वेक्टर क्या है हमारे रियलिटी में, तो 0 i कैप प्लस 10 j कैप प्लस 0 k कैप, बट अगर हमारे पास 0, 0 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए, अब ये पॉइंट देखिए किधर है, एक्स और जेड में लाई कर रहे हैं ना बच्चे, टोटल लेंथ कितनी है 10, इसके रिजोल्व कर लो, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चे, 10 cos 37, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चे, 10 sin 37, ठीक है ना, तो 10 cos 37 अगर हम बात करें तो वी हैव अ स्पेशल ट्रायंगल इन फिजिक्स 3, 4, 5 एंड दिस इज 37, याद है ना बच्चों, चलिए तो cos 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, cos 37 कम्स आउट टू बी बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी 4/5 एंड sin 37 कम्स आउट टू बी 3/5 यानी परपेंडिकुलर बाय बेस 3/5, चलिए तो बताइए ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 10 into cos 37 यानी 8, यानी x एक्सिस में कितना चले हम 8, y एक्सिस में 0, z एक्सिस में देखिए 10 into sin 37 यानी 6,
तो अगर मैं बात करूं ए बी वेक्टर कितना हो गया बच्चे, ए बी वेक्टर देखिए, ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, 8 माइनस 0 8 आई कैप, 0 माइनस 0 0 जे कैप, 6 माइनस 0 6 के कैप, तो व्हाट विल गेट, 6 आई कैप प्लस 6 के कैप। चलिए तो हमें ए बी मिल गया, हमें ए डी भी मिल गया। अब हमें एरिया वेक्टर निकालना, तो एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं बेटा, एरिया वेक्टर बड़ा इजी है हमारे लिए निकालना, ए बी क्रॉस ए डी। अब यहाँ के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट आई हो आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में आते ही है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे बच्चों, एट आई कैप प्लस 6 के कैप क्रॉस क्या बना हमारे पास, 10 जे कैप। चलिए अब हमें पता है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, आई क्रॉस जे तो पॉजिटिव आएगा के कैप, तो 80 के कैप। अब देखिए 6 इंटू 10 60, लेकिन के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, के क्रॉस जे क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी नेगेटिव, के क्रॉस जे यानी नेगेटिव आई कैप, दिस इज आर एरिया वेक्टर। बताइए अब बात बोलती कि क्यों हमें एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ती है, इसी के बेस पे अगर मैं एक क्वेश्चन करने की कोशिश करूं आपको, देखना ध्यान से बच्चों, सेम ऐसे ही आप लोगों से बोला जाता है कि किसी भी रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है ना, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन टू अस। सिमिलरली सेम फैशन में हमसे बोला गया एक स्क्वायर प्लेट है, लो जी, जिसकी साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों, और इट इज हैविंग सम एंगल, लेट से 37 हो गया ना, 53 डिग्री, ठीक है। कह रहे कि फाइंड द फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर प्लेट। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन बना दिया है, लेकिन अगर मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं याद होगा तो मैं ये वाले क्वेश्चन कभी कर ही नहीं पाऊंगा बच्चों, है ना। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है हमें, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो फ्लक्स का फॉर्मूला तो आ जाएगा ई डॉट ए, ई डॉट ए, ठीक है ना, ई हमें पता है, डॉट प्रोडक्ट हमें आता है कैलकुलेट करना, बट मुझे एरिया तो वेक्टर फॉर्म में चाहिए ना, और एरिया वेक्टर फॉर्म में निकालने का यही तरीका है बच्चे, सेम डिटो ये। अच्छा अगर इसी को रख दे उसी वाली फील्ड में तो बहुत बेसिक बन जाएगा, ई डॉट ए करके देखिए, इसके लिए ये दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, आप इसका होमवर्क करेंगे, खुद फाइंड फ्लक्स निकालना होगा, मैं इसका निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए तो आप फ्लक्स देखिए इसमें से कैसे निकालेंगे, ई की वैल्यू कितनी है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है ना, डॉट 80k कैप माइनस 60i कैप। चलिए अब हमें पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, और के को के साथ, तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा बेटे, आई इंटू आई 60 इंटू 2 120 माइनस का जे वाला फैक्टर नहीं है तो खत्म, के इंटू के यानी कितना बन गया बेटा ये प्लस 320, 120 माइनस 3, 120 माइनस का 320 प्लस का, तो इट कम्स आउट टू बी 200। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है बेटा, देखिए ई इंटू ए यानी न्यूटन, ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू जैसे बताइए, ई की वैल्यू फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, लो ये टोटल फ्लक्स आ गया हमारे पास। सिमिलरली इसमें क्या करेंगे, इस वाली स्क्वायर प्लेट का एरिया वेक्टर निकालेंगे, एरिया वेक्टर जो भी निकलेगा वो आई जे की टर्म्स में निकलेगा, उसको ई कैप के साथ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, विल गेट द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द स्क्वायर प्लेट। आई होप ये वाला पैटर्न आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट यही है, बिल्कुल बेसिक है, 11th स्टैंडर्ड के वेक्टर से रिलेटेड है, और हमें वेक्टर्स बहुत अच्छे लेवल पे आने चाहिए। अगर वेक्टर्स में कोई इशू है तो अगेन आई बटन को क्लिक कीजिए, आपको वेक्टर्स की वीडियो भी मिल जाएंगी। सो अगेन वेरी सिंपल वेरी बेसिक क्वेश्चन कि दिस इज अ डिस्क, ठीक है बच्चों, डिस्क है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्स्टेंट,
passing through this. Disk is having radius r, 37 degree, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट. मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट. फाइंड फ्लक्स. सेकेंड, अगेन अ डिस्क एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इन दिस मैनर. ठीक है, रेडियस आर, एंगल 37, अगेन फाइंड फ्लक्स. चलिए दोनों केसेस में फ्लक्स निकालते हैं. देखें, अब हमें पता है फ्लक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा बेटे, ई डॉट ए. यानी अगर हम बात करें तो इट कम्स आउट टू बी ई ए cos theta. It will comes out to be EA cos theta. चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ तो E नोट है, ठीक है ना. एरिया ऑफ द डिस्क क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर. अब थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड ये एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, ये वाला. तो ई और ए में कितना एंगल बन जाएगा, 53. तो cos 53, ठीक है ना. कैलकुलेट कर लेंगे cos 53 की वैल्यू एंड वी गेट दी आंसर. चलिए इधर देखिए, ये भी एक डिस्क ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अभी भी कांस्टेंट है, लेकिन अब एरिया वेक्टर किधर है बच्चे, बाहर, यानी ये. अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना एंगल बना, परफेक्ट. कितना एंगल बना बच्चे, 90 डिग्री. कितना एंगल बना बेटे, 90 डिग्री. तो अगर 90 डिग्री एंगल बन गया तो फ्लक्स बताइए कितना हो जाएगा. तो फ्लक्स तो अभी भी वही रहेगा सर, ई ए, लेकिन अब जो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो कोस 90 हो जाएगा, और कोस 90 कितना होता है, जीरो. यानी फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो. ठीक है ना, बोलो इतना समझ में आया. चलिए चलिए गाइस, अब अगर हम बात करें, एक क्यूब है हमारे पास, और इस क्यूब को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया हम लोगों ने, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. ठीक है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. साइलेंट ए, कह रहे फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब. फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब. अब बोलिए, देखिए तो बोला गया फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब. अब देखिए, जो कि ये क्रॉस सरफेस है ना, और छह फेसेस होते हैं. मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए डायरेक्शन में, ए डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो बताइए इसका एरिया वेक्टर किधर, अंदर या बाहर, बाहर. सामने वाले का एरिया वेक्टर बताइए अंदर या बाहर, बाहर. तो देखिए अगर मैं बात करूं इन दो फेसेस के बारे में, इन दो फेसेस के बारे में, तो एक का एरिया वेक्टर इधर, एक का एरिया वेक्टर इधर. इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो ई और ए में कितना एंगल, ई इधर है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री. चलिए ई और ए में कितना एंगल है बेटा, 0 डिग्री. अब देखिए इसका एरिया वेक्टर ऊपर, इसका एरिया वेक्टर नीचे, कितना एंगल है, 90 डिग्री. अब सुनिए, ऊपर वाले में भी 90, नीचे वाले में भी 90. इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, उसका एरिया वेक्टर ये रहा, एंगल कितना बना, 90 डिग्री. इसका एरिया वेक्टर ये रहा, एंगल कितना बना, 90 डिग्री. ऊपर वाले के साथ 90 डिग्री, नीचे वाले के साथ 90 डिग्री. तो टोटल चारों फेसेस के कारण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है ना, बैक और फ्रंट, इनके कारण एंगल बनेगा 180 डिग्री और 0. लेकिन ध्यान से देखो, ई कॉन्स्टेंट है, एरिया सेम रहेगा, साइलेंट ए मान लेते हैं. तो ई इसका फ्लक्स निकाले, फ्लक्स थ्रू लेफ्ट पीछे वाला बैक, कितना हो जाएगा, ई ए स्क्वायर कॉस ऑफ 180. कॉस 180 बताइए, नेगेटिव ऑफ ई ए स्क्वायर, माइनस 1 होता है. इसके कारण है ये फ्लक्स फ्रंट के थ्रू, कितना हो गया बेटा, ई ए स्क्वायर कॉस 0.
और cos 0 कितना होता है बच्चों 1, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट ऐड कर दो, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया बेटा माइनस ऑफ ई ए स्क्वायर इसको प्लस इसको, तो व्हाट विल गेट 0, यानी किसी भी क्लोज सरफेस को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस इज ऑलवेज 0, क्योंकि जितनी लाइन एंटर करने वाली है उतनी ही लाइंस बाहर जाने वाली है, या जितनी एनर्जी एंटर करने वाली है उतनी ही एनर्जी बाहर जाने वाली है। अब सेम पैटर्न में हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, सीबीएसई भी बहुत बारी ये क्वेश्चन रिकमेंड कर चुकी है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, और सिमिलरली एक क्वेश्चन और बना देता हूं ऐसे ही। देखिए बोला गया कि यहां पर एक क्यूब रखी हुई है हमारे पास, ए दूरी पर, और क्यूब की लेंथ है एल, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिस इज ई नॉट आई कैप। इस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है बेटा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई नॉट एक्स आई कैप। वही ए दूरी पर एक क्यूब रखी हुई है, कह रहे कि फ्लक्स कैलकुलेट कीजिए। अच्छा दोनों क्वेश्चन में बताइए क्या फर्क है, दोनों क्वेश्चन में बताइए क्या फर्क है। सर फर्क बस एक है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। लेकिन ध्यान से देखिए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही केसेस में एक्स डायरेक्शन में? हाँ जी सर, यानी इस क्वेश्चन में तो ये कह रहा है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हर पॉइंट पर क्या रहेगी? सेम, यानी ये सभी के सभी फेसेस, देखिए इसमें भी सेम ही क्वेश्चन बना, अभी भी फ्लक्स तो दो फेसेस के कारण ही होगा, एक इसके कारण और एक इसके कारण, बाकी दोनों के, बाकी चारों के कारण क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन इसमें देखिए, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इस पॉइंट पर भी ई नोट रहेगी और इस पॉइंट पर भी ई नोट रहेगी, है ना, तो फ्लक्स कितना हो जाने वाला है इस केस में? आप लोग खुद बताइए, फ्लक्स तो सर जीरो हो जाएगा, अभी भी तो किया है, फ्लक्स तो जीरो हो गया, लेकिन सर इस केस में क्या हो जाएगा? अभी देखिए, इस केस में जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, अब हम लोगों को 11th स्टैंडर्ड में बताया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल, जहां पर भी वेरिएबल चीज आती है वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन, परफेक्ट। लेकिन इसमें क्या इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा या बिना इंटीग्रेशन के काम हो जाएगा? देखिए ध्यान से सुनिए बेटा, एक्स की वैल्यू यहां से यहां कितनी है? ए, यानी इस वाले फील्ड में जब यहां पर इस सर्फेस के लिए बात कर रहे हैं, तो इस सरफेस के लिए जब मैं x की वैल्यू को a पुट करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन गई? E नॉट a i कैप। क्या E नॉट a i कैप इस पर्टिकुलर इस सरफेस के लिए कांस्टेंट है? यस सर। तो अगर कांस्टेंट है तो यहां डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे वेरी कर रही है, बट जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर फेस के बारे में बात कर रहा हूं तो इस पर्टिकुलर फेस का हर एक एलिमेंट a दूरी पर रखा हुआ है जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहने वाली है। यानी यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे? 180 डिग्री। कितनी हो गई? 180 डिग्री। 180 डिग्री होगी तो फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस कितना हो गया जल्दी बताइए? माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि कोस 180 माइनस 1 होता है, माइनस ई नॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर ए स्क्वायर, तो माइनस ई नॉट ए क्यूब। चलिए जी बहुत सुंदर। अब यहां के लिए आइए बच्चों, यहां के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इस फेस के लिए जल्दी बताइए? सर इस फेस के लिए करना पड़ेगा ए प्लस एल, यानी एक्स की वैल्यू इस फेस के लिए कितनी हो जाएगी? ए प्लस एल, पुट एक्स इक्वल्स टू ए प्लस एल, बट फिर भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड स्टिल वेरी कर रही है, बट इस फेस के लिए अभी भी कॉन्स्टेंट रहेगी, तो E की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी बेटा? E नॉट A प्लस L, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, एरिया वेक्टर भी बाहर, तो फ्लक्स एंगल कितना हो गया बच्चे? 0 डिग्री। हाउ मच? 0। तो फ्लक्स कितना हो गया बच्चे? E नॉट A प्लस L इंटू एरिया ए स्क्वायर। टोटल फ्लक्स जो भी आएगा दोनों को एड कर दीजिए, विल गेट द आंसर।
व्हाट विल गेट, देख रहे हैं एक बारी, ई नॉट ए क्यूब प्लस ई नॉट एल इंटू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो माइनस ई नॉट ए क्यूब, ई नॉट ए क्यूब, ई नॉट ए क्यूब कैंसिल आउट, तो व्हाट विल गेट ई नॉट एल ए स्क्वायर आंसर। प्लस की यूनिट रख देंगे, ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड यानी फोर्स पर यूनिट एरिया यानी न्यूटन न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। चलिए बोलो फ्लक्स आए हैं सर। अब सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन में वो एक सिलेंडर रख देता है, यहाँ पे सिलेंडर रख दो, यहाँ पर भी सिलेंडर रख दो, यहाँ पर भी कांस्टेंट है तो फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा, इसमें वेरी कर जाएगा। अब वो डिपेंड करेगा कि सिलेंडर की वो लेंथ कितनी रखता है, ए टू ए रखता है, वट एवर जो भी है, बट कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम। तो बताइए क्या ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए क्या? चलिए बहुत बढ़िया, ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है बच्चे, ठीक है ना। वही अब सिलेंडर रख लेते हैं, एक्स वाई जेड ए दूरी पर हम लोगों ने एक सिलेंडर रख दिया जिसका रेडियस आर है और ये जो लेंथ है ये टू ए ले लेते हैं। चलिए ये ए दूरी पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर ई नॉट आई कैप। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेरी करा देंगे, सेम क्वांटिटी सेम सब कुछ सेम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बेटा, ई नॉट एक्स आई कैप, ठीक है ना, वही रेडियस आर, लेंथ इसकी 2a मान लेते हैं, ठीक है, दिस इज योर x, दिस इज योर y, दिस इज योर z। कैलकुलेट फ्लक्स, कैलकुलेट फ्लक्स, चलिए ठीक है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट, नीड नॉट वरी अबाउट दैट। चलिए नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइस, जो अभी हम कराने वाले, देखिए जो अभी क्वेश्चन करने वाले हैं वो प्योरली इंटीग्रेशन के बेस पे है, बट नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम बात करेंगे सॉलिड एंगल की, वो सेम आंसर एक लाइन में भी आ जाएगा आपके पास। तो कॉन्सेप्ट समझिए कि एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू और यहाँ से एक दूरी पर एक डिस्क रखी हुई है, समझने की कोशिश करना बेटा, ये क्या रखी हुई है, एक डिस्क जिसका रेडियस है आर, ठीक है ना। बोल रहे कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू डिस्क, देखिए एक क्यू चार्ज रखा हुआ है ए दूरी पर, रेडियस आर है, एक डिस्क है, बोल रहे कि कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू दिस पर्टिकुलर डिस्क। अब देखिए डिस्क हमें पता है प्लेट नुमा शेप की होती है, ठीक है ना, अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तो आपको समझ में आ गया कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार चेंज हो रही है डिस्क पे, इस पॉइंट पे लगे, 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 तो मैं डायरेक्ट तो यूज नहीं कर सकता, ई ए तो मैं यूज नहीं कर सकता, तो मुझे करना क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी पहले वाले क्वेश्चन में भी थी क्यूब वाले में, लेकिन क्यूब के हर एक फेस पे उस पर्टिकुलर फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी, लेकिन डिस्क के इस फेस पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, कभी इसके कारण ए निकालो एरिया से मल्टीप्लाई कर दो जे जे शिरा दे, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिर अब कैसे करें यहाँ से, अब इसके लिए हमें प्योरली इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले भी हमें बात करनी पड़ेगी कि ये इंटीग्रेशन भी कैसे किया जाए। देखिए डिस्क इज अ कलेक्शन ऑफ रिंग्स, परफेक्ट, तो मैंने क्या बोला इसी क्वेश्चन को अगर मैं बात करूं तो हमने क्या बोला, ये जो डिस्क है ना बड़ा बना के दिखा रहा हूं बेटा, ये वो वाला पॉइंट है सेंटर, यहां से ए दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ है ये वाला क्यू चार्ज। अब हम क्या करते हैं, यहां से एक्स दूरी पर जाकर, एक्स दूरी पर जाकर एक छोटी सी रिंग ले लेते, छोटी सी रिंग, ये बड़ी बना दी तुम्हारे लिए, जिसकी थिकनेस कितनी है dx, अगर रिंग देखनी है तो मेरे हाथ वाला कड़ा देख लीजिए बेटा,
देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो मैंने क्या किया, आर दूरी पर जाकर ये एक रिंग ले लिया, ये सेंटर से एक्स इसका डिस्टेंस है, और जो ये विड्थ है, ये विड्थ की क्या है इसकी बेटा चौड़ाई, डी एक्स मानी। अब ध्यान से सुनना, ये रिंग रखी हुई है, ठीक है। इस रिंग से अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाले तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हर इस रिंग की हर एक पार्ट पर सेम आने वाली है ना। रिंग तो ये है ना, अंदर से खाली है, डिस्क तो अंदर से भरी हुई होती है, भरी हुई होती है तो उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होती। तो यहां से कोई लाइट डालूंगा मैं, अगर लाइट फ्लेयर आउट होगी ऐसे फैलेगी, तो उस लाइट से हर एक डिस्टेंस सेम रहने वाला है, यानी इस रिंग के लिए इस चार्ज के द्वारा पैदा की गई इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या मान सकता हूँ, कॉन्स्टेंट। क्या मान सकता हूँ, कॉन्स्टेंट। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला बस खाली ये रिंग बनाता हूं मैं, तो मैंने ये बनाया एक क्यू चार्ज, और ये खाली एक वो रिंग जिसका रेडियस कितना बेटा एक्स, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर पार्ट पर क्या रहेगी सेम। तो ये डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस है एक्स, ये एंगल अगर मैं थीटा मान लूं तो हमें फ्लक्स थ्रू दिस रिंग निकालना है, पहले छोटा सा फ्लक्स डी फाई कितना हो जाएगा बच्चे, ई निकाल लो। अब इस पॉइंट पे ई कैसे निकालेंगे, तो हमें तो पता है सर इसके लिए पॉइंट सोर्स बनेगा, पॉइंट सोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, के क्यू बाय सेपरेशन, सेपरेशन मान लेता हूं अभी के लिए स्मॉल आर, तो आर स्क्वेयर। नाउ दिस आर इज रिटन एज, दिस आर इज रिटन एज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए क्या बनी बेटा, के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर टू, टू टू ने अंडर रूट को कैंसिल आउट कर दिया, ये तो बन गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें चाहिए इसका एरिया वेक्टर, है ना। अब एरिया कैसे निकाले, देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं इस रिंग को कट करके तोड़ दूं तो ये एक रेक्टेंगल शेप ले आएगा ना, तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, टू पाई इसकी सरकमफेरेंस लेंथ हो जाएगी, और ये चौड़ाई क्या हो जाएगी उसकी ब्रेथ। तो डीए देखना ध्यान से, इस रिंग को अगर मैं तोड़ दूं काटूं तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, देखो ये लेंथ हो जाएगी इसकी टू पाई एक्स, और ये विड्थ हो जाएगी इसकी डीएक्स। तो छोटा सा एरिया ऑफ दिस रिंग क्या बनेगा बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी टू पाई एक्स इंटू डीएक्स। लो भैया अब ई और ए में देखिए एंगल क्या 0 डिग्री है, नहीं सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये रही और एरिया वेक्टर ये रहा, अब याद करो वेक्टर की। चलिए गाइस, तो हमें ई पता लग गया, हमें एरिया पता लग गया, अब छोटा सा फ्लक्स थ्रू दिस रिंग कितना हो जाएगा डी फाई, और डी फाई का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बच्चों, ई डॉट डी। अब बात ये की जाए कि इसके बीच का एंगल कितना होगा, फिर मैं कह रहा हूँ देखिए रिंग है बेटा, तो मैंने ये वाला एरिया मान लिया एरिया वेक्टर। अब ये बताइए क्या एरिया वेक्टर और ई में एंगल सेम, मतलब 0 डिग्री है क्या है, तो नहीं सर एरिया, बट हमें पता है कि इसकी एक क्वांटिटी होती है मोबिलिटी, कि हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर ना, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कह सकते हैं। तो ई और ए के बीच में एंगल कितना हो गया थीटा। चलिए अब डी फाई की वैल्यू देखिए कितना आया, ई की वैल्यू रख दीजिए, के क्यू बाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, डी ए की वैल्यू रखिए बेटा टू पाई एक्स डी एक्स एंड कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू दोबारा से इस राइट एंगल ट्रायंगल में से निकाल लीजिए। नाउ वी नो दैट कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बताइए जल्दी, ए हाइपोटेन्यूज बताइए आर, तो ए बाय आर यानी ए बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। चलिए अब इतना हमें आ गया है समझ में, तो हम वैल्यूज रखते हैं, डी फाई की वैल्यू रखिए, डी फाई कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास देखिए, अभी आप के की वैल्यू को रखना चाहे तो रख दीजिए, नहीं रखना चाहते तो आपकी मर्जी है, के की वैल्यू रखेंगे तो व्हाट विल गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू इंटू टू पाई
अब ध्यान से देखना, इसकी पावर 1 है, और जब कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू रख लेते हैं ना पहले 2 पाई x dx, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू कितनी है बेटा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ध्यान से देखो, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, तो पावर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 2 पाई 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो व्हाट विल गेट बेटा, देखो q इंटू ए बाई, यहाँ 2 बचा तो 2 एप्साइलन नॉट x dx इसकी पावर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, इसका इंटीग्रेशन करना है अब हमें। देखो ध्यान से, लेकिन बात देखिए इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, x, तो x की लिमिट डेफिनेट इंटीग्रेशन है। देखिए तो यहां से इस ओरिजिन से ये x मान है ना, अगर मैं ना मानता तो x की वैल्यू 0, और पूरी रिंग, अगर ये पूरी डिस्क होती तो डिस्क का रेडियस कितना था वालक, r, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वैरी करेगी, x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू r तक वैरी करेगी, ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल है, तो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत इजी है, जो मेडिकल वाले बच्चे वो थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं इस क्वेश्चन को देख के, तो टेंशन ना लेना बेटा, मेडिकल वाले बच्चों आपको, आप लोगों के लिए आएगा भी नहीं है, तो आते ही किसके लिए है, हाई टीजी के लिए, परफेक्ट। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को कुछ मान लेते हैं ना, एजम्पशन तो आपको भी सिखाया है मेडिकल वालों, टेंशन ना लेना। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर को मैं कुछ भी मान लेता हूँ, टी स्क्वायर, ए स्क्वायर, डी स्क्वायर, पी स्क्वायर, जो आपको चाहिए, लेकिन ध्यान से देखो, जब इसको टी स्क्वायर माना तो नीचे तो टी की टर्म बन गई, ऊपर एक्स की टर्म बन गई, अब हमें ऊपर भी चेंज करना है, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट। अब डिफ्रेंशिएशन में देखिए एक्स और टी का वेरिएशन, ये तो कॉन्स्टेंट है, तो ए का कॉन्स्टेंट 0 प्लस 2x dx 2t dt, किसी भी एक्स के या टी के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो व्हाट विल गेट, एक्स एक्स विल कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिला, एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल्स टू टी डी टी, यानी हमें इतना समझ में आ गया, नीचे भी टी का फैक्टर आ गया, ऊपर भी टी का फैक्टर आ गया, लेकिन अभी भी दिक्कत क्या आ गई कि भैया जब आपने रखा था तो ये एक्स की लिमिट रखी थी, अब हमें टी के साथ डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है तो टी की लिमिट होनी चाहिए। अब क्या करो, इस इक्वेशन में पुट एक्स इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड एक्स इक्वल टू आर इन इक्वेशन 1, तो देखिए टी की वैल्यू पता लग जाएगी, 0 रखी तो व्हाट विल गेट, ए स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, टी, पुट कीजिए तो व्हाट विल गेट, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बेटा, टी स्क्वायर, यानी टी की वैल्यू यहां से क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लो जी, हमें लिमिट्स भी पता लग गई, हमें सब कुछ पता लग गया, अब बस रखो और सोल्व कर दो, आइए रखते हैं इसमें, तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, अब इंटीग्रेट कर दिया हमने, तो क्यू ए बाय 2 एप्साइलन नॉट इंटीग्रेशन, एक्स की वैल्यू 0 पे, ए की वैल्यू टी, यानी टी इक्वल्स टू ए, कहां से, टी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है जी। एक्स डी एक्स को क्या रखेंगे, एक्स डी एक्स को रखेंगे हम टी डी टी, तो रखिए बेटा टी डी टी। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माना है, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की पावर 3/2, देखो ध्यान से, टी स्क्वायर विल कैंसिल आउट, तो टी की पावर क्यू बचेगा, तो क्यू ए बाय 2 एप्साइलन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी बाय, नीचे क्या बचा, टी क्यूब, और टी की वैल्यू कहां से कहां बेटा, ए से लेके अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब टी ने टी को मारा तो नीचे बचा 2, अब तो इंटीग्रेशन बहुत इजी बन गया बच्चे हमारे लिए, तो व्हाट विल गेट, क्यू ए बाय 2 एप्साइलन नॉट, अब इंटीग्रेशन तो आता नहीं इसका, टी की पावर -2 ऊपर चली जाएगी, इंटीग्रेशन में पावर में ऐड करते हैं, तो टी की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, तो क्या बचा बेटा, टी की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1। लो जी, लिमिट कहां से कहां, ए से लेके अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
वैल्यू तो रखनी है, बस माइनस साइन बाहर लेके आ जाइए, माइनस क्यू ए बाय टू एप्सिलॉन नॉट, वन बाय टी हो जाएगा, वन बाय टी माइनस है तो वन बाय टी नीचे, तो वन बाय टी टी की वैल्यू को रखो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट वन बाय, माइनस को अंदर लेके चले जाओ, क्यू ए बाय टू एप्सिलॉन नॉट वन बाय ए माइनस वन बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लो जी दिस इज योर आंसर। बोलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगाया है बेटे, कि कोई भी डिस्क अगर क्यू चार्ज से ए दूरी पर रखी हुई है तो उसके थ्रू जितना भी फ्लक्स जाएगा वो ये वाला फ्लक्स जाने वाला है। चाहो तो ए से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अगर मैं ए से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, देखना भी आप लोग हेल्प करना, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बन गया, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस ए बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो एक बार ए से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट वन माइनस ए बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मैं ये कह रहा हूँ बेटे देखिए, इसी वाले फॉर्मूले को हम एक लाइन में करेंगे व्हेन जब हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल पढ़ेंगे, बट फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आई होगी तो वो स्मॉल एलिमेंट चूज करना आया होगा, स्मॉल एलिमेंट चूज करना आया होगा तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा से आई बटन को क्लिक करना है। सब मर्जों की एक ही दवाई है आई बटन, आई बटन को क्लिक करेंगे हमें सबसे रिलेटेड वीडियोज मिल जाएंगी इन अ डेमोस्ट्रेशन फॉर्म, हम वो उन वीडियोज को देख के थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट विजुअलाइज और एनालाइज कर सकती है। चलिए तो ये सब चीजें हम लोगों ने आज पढ़ा रिलेटेड टू फ्लक्स। अब जाते जाते आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन देके जा रहा हूँ जो कि जेई में पूछा गया था एडवांस लेवल पे, वो क्वेश्चन आप घर बैठ के कोशिश करना, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा और आगे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। सो गाइस दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है और कोशिश करना बिना किसी बुक के बिना किसी टीचर की हेल्प से खुद अप्लाई करने के लिए। क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, अ डिस्क ऑफ रेडियस ए बाई फोर हैविंग अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये वाली डिस्क ऑफ 6 ग्राम इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन गिवन है आपको विद इट्स सेंटर एट ये वाला एंड अ रॉड ऑफ लेंथ ए, इस रॉड की लेंथ जो है वो ए है, कैरिंग अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 8 ग्राम इज प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ए टू ए पॉइंट्स आर गिवन, टू पॉइंट्स चार्ज इज माइनस 7 एंड 3 कुलाम आर प्लेस्ड एट सो एंड सो रीजन, कंसीडर द क्यूबिकल सरफेसेस फॉर्मड बाय 6 फेसेस एक्स वाई जेड और उनका रेडियस आपको गिवन है प्लस माइनस ए बाय 2, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूबिकल क्यूब इज। नाउ ये एक वो क्वेश्चन है जिसको आपको हिट करना है, कोशिश करना बहुत लॉजिकल, आई होप आप लोग ये आंसर कर पाएंगे, नहीं कर पाते तो नेक्स्ट वीडियो में जिस वीडियो में हम सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसमें आपको इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। चलो गाइस थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।